Hey, hi everyone, this is Sasmita and welcome to our channel Basic Economy. And today's concept is what is economics. Okay, in this video we will discuss meaning, definition, problems faced by an economy. Okay, most of people think economics is the story of money, stock and investment. But it is not as true. Okay, these are the part of economics. मतलब ये सब economics का एक part है, ना कि economics है. ठीक है? तो let's start. What is economics? Okay, तो economics का मतलब है, economics is the study of human behavior. मतलब ये human behavior को study करता है. That how he earn income, मतलब इंसान कैसे कमाता है, and spend his income, how he spend his income in this way to fulfill his maximum want. यानी human wants are unlimited, okay? तो उसके limited money income से वह अपने wants को कैसे maximum पूरी कर सकता है, ठीक है? To get maximum satisfaction, ठीक है? यहाँ पे दो चीज mainly important है. ठीक है, मैक्सिमाइज सैटिस्फेक्शन लिमिटेड रिसोर्स ठीक है, यहाँ पे दो चीजें, दो कीवर्ड्स है. ठीक है, मैक्सिमाइज सैटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस. ठीक है, इकोनॉमी क्या स्टडी करता है, अपने लिमिटेड मनी इनकम से एक ह्यूमन, एक मैन, हाउ ही स्पेंड हिज टोटल इनकम इन दिस वे टू गेट मैक्सिमम हिज सैटिस्फेक्शन टू फुलफिल हिज मैक्सिमम वांट. ओके, और अदरवाइज हम इकोनॉमिक्स को कुछ अलग तरह से भी स्टडी कर सकते हैं, जिससे ठीक है. तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटी यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेस. यानी इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेस को कैसे यूज करता है, कैसे उसके अल्टरनेटिव यूज करता है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल. उसके स्कैर्स रिसोर्सेस को कैसे यूज करता है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेस वो प्रोड्यूस करता है वो अपने सोसाइटी में कैसे बांटता है. ठीक है, ये इट इज द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, अगर हम इस मीनिंग को देखें तो हम चार चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटी यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेस. यानी अपने रिसोर्सेस को यूज करना मतलब क्या है, प्रोडक्शन. ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन. और जब भी प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा. मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा वो सेलर्स में, रिटेलर्स में, होलसेलर्स में वो एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो एक्सचेंज नेक्स्ट है, एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल. यानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. एंड लास्ट फेज क्या है, कंजप्शन. वैल्यूएबल गुड्स प्रोड्यूस क्यों किया जाता है, कंजप्शन के लिए, ऑब्वियसली फॉर कंजप्शन. ओके, ये चार चीज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ये चार चीज पिलर्स है, इकोनॉमिक्स का पिलर्स है. ये चारों चीज होता ही रहता है. ठीक है, कोई ना कोई प्रोड्यूस करता ही रहता है, कोई ना कोई एक्सचेंज से जुड़ा होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े होते हैं, और हर वक्त कोई ना कोई कंज्यूम करता ही रहता है. ठीक है, ये चारों चीजों को लेकर इकोनॉमिक्स बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इसको डेफिनेशन में देखें तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ओके, टू ग्रीक वर्ड दैट इज ओइको एंड नोमिया. द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओइको, द ग्रीक वर्ड ओइको एंड नोमिया. ओइको
which means home, and nomia, which means account. Hence, in Greece, the word oikonomia is used to keep home account or family account. Occupation ko padhe, to kisi bhi research and development ke liye, char definition important hai. ठीक है, चार डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, एक है वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन. ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन इज फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर आराम स्मिथ. Adam Smith in the year 1776. Okay, in his book An Enquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. An Enquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. Wealth of Nation. ओके, उनकी एक मेन कीवर्ड है वेल्थ. मतलब आराम स्मिथ जी ने स्पेशली इंपॉर्टेंस दिया था वेल्थ को. ठीक है, उन्होंने उनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी डेफिनेशन दिया था इन द ईयर 1776 में. ठीक है, नेक्स्ट वेलफेयर डेफिनेशन. Welfare definition is first time propounded by Professor Alfred Marshall. ठीक है, और आदम स्मिथ जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि पहली बार एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन दिया था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स को. ठीक है, वेल्थ के रिगार्ड में. ठीक है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं वेलफेयर डेफिनेशन. अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था वेलफेयर डेफिनेशन इन द ईयर 1890. ओके, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी. Principle of economy और principle of political economy भी इसे कहा जाता है. political economy भी कहा जाता है. ठीक है, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपना वेलफेयर डेफिनेशन दिया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी बुक, और उसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है इन द ईयर 1890. उन्होंने कहा था वेल्थ इज ओके, वेल्थ इज वेल्थ हर नेशन में रहना चाहिए, लेकिन वेलफेयर भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर मैन की वेलफेयर ना हो तो इकोनॉमी किसी काम की नहीं होगा. ठीक है, तो वो स्पेशली मेटेरियल वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया था. ठीक है, उसने इसीलिए वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया था, इसीलिए उनके डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कार्सिटी. ठीक है, स्कार्सिटी डेफिनेशन ने दिया था एल रॉबिन्स, यानी लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था इन द ईयर 1932. ओके, इन द ईयर 1932. उन्होंने हिसाब से रिसोर्सेस जो कि स्कार्स इन नेचर. ओके, इसीलिए रिसोर्सेस को हम ऐसे यूज करना चाहिए ताकि उसके अल्टरनेटिव यूज ऐसे निकलना चाहिए जो कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकता है. ठीक है, वेल्थ बढ़ा जा सकता है. मेनली वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था. मेनली वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनके हिसाब से रिसोर्सेस जो कि स्केर्स इन नेचर है, तो कोई भी गुड्स ऐसे जो कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम दे सके, वो इकोनॉमिक गुड कहा जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो सिगरेट, अल्कोहल ड्रिंक, ऑप्टिम, दीज आर नॉट प्रोवाइड वेलफेयर टू द इकोनॉमी.
इकोनॉमी और टू द मैन वेलफेयर टू द मैन बट दिस कैन क्रिएट गुड वेल्थ टू द इकोनॉमी सो दिस कैन दिस गुड्स कैन बी इकोनॉमिक गुड ओके तो ये डेफिनेशन दिया था लियोनेल रॉबिन्स ने ठीक है नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन ओके ये डेफिनेशन दिया था पी ए सैमुएलसन सैमुएलसन ओके इन द ईयर 1948 इन हिज बुक इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस एनालिसिस ओके तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन दिया था पॉल सैमुएलसन जी ने इन द ईयर 1948 इन हिज बुक इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी टू एनालिसिस उनके हिसाब से वो दो डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया था एक है वेलफेयर एंड दो है स्कार्सिटी उनके हिसाब से मैन की वेलफेयर होना चाहिए और रिसोर्सेज के ड्यू टू रिसोर्सेज आर स्कैर्स इसलिए उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए ठीक है और उनकी थेसिस जो है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है ग्रोथ यानी जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कोई 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में ग्रोथ नेस्ट कैन नॉट बी ग्रोथ ठीक है नेक्स्ट हमें डेफिनेशन से पता चला कि इकोनॉमिक्स में 3 लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है एक है कंज्यूमर 2 है प्रोड्यूसर 3 है सोसाइटी और इकोनॉमी ओके हम देखें तो इकोनॉमिक्स में 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर का नहीं जो कंज्यूम करता है ठीक है क्या कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेस ओके गुड्स एंड सर्विसेस कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेस भी 2 तरह के होते हैं एक है टैंजिबल गुड्स एक है इनटैंजिबल गुड्स टैंजिबल गुड्स क्या है जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं जो भी जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं और खा सकते हैं कुछ हद तक टेस्ट कर सकते हैं ठीक है इससे हम टैंजिबल गुड्स कह सकते हैं ठीक है टैंजिबल गुड्स कहते हैं और इनटैंजिबल गुड्स क्या है जो हमें देख नहीं सकते छू नहीं सकते लेकिन हमें उससे फील कर सकते हैं ठीक है जैसे कि एक टीचर पढ़ाता है उसके स्टूडेंट्स को तो ही गिव्स इनटैंजिबल सर्विस ओके एक वॉचमैन प्रोटेक्ट्स ए सोसाइटी सेक्टर्स ए सोसाइटी ही प्रोवाइड्स इनटैंजिबल सर्विस टू द सोसाइटी ओके तो 2 तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है टू गेट सेटिस्फेक्शन ठीक है टू गेट सेटिस्फेक्शन यानी कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है जो भी पाता है वो चाहता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे ठीक है और प्रोड्यूसर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है जो भी बनाता है डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है उससे क्यों बनाता है ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके ठीक है उसकी मेन मोटो है टू गेट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट और सोसाइटी इकोनॉमी क्या करता है सोसाइटी और इकोनॉमी ये भी लोग ही है सोसाइटी यानी क्या लोगों को लेकर सोसाइटी बनता है ठीक है तो सोसाइटी का मेन मोटो क्या है टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर यानी वो जो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर सभी को अपनी वेलफेयर मैक्सिमाइज करना ही होता है तो सोसाइटी का मेन एम है वेलफेयर ठीक है और सोसाइटी इकोनॉमी जो है वेलफेयर टू अटेन वेलफेयर इकोनॉमिक फेसेस मेनली 4 प्रॉब्लम्स ओके टू अटेन वेलफेयर इकोनॉमिक फेसेस 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ओके व्हाट आर दे लेट्स सी व्हाट टू प्रोड्यूस how to produce
फॉर होम टू प्रोड्यूस। And what provisions made for economic growth? Made for economic growth. ठीक है? What to produce? यानी इकोनॉमिक को डिसाइड करना होता है क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है उसे ये डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सी टेक्निक यूज करना है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव हो या फिर लेबर इंटेंसिव। ओके, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी कैपिटल ज्यादा होता है, लेबर कम, और लेबर इंटेंसिव यानी लेबर ज्यादा और कैपिटल कम। ठीक है, और मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज, इसे मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किया जाता है क्योंकि उनके पास मैन फोर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी उसे डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन फोर्स। तो उसे डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कौन सी क्लास के लिए, आइदर इट इज रिच और पुअर। ठीक है, अगर सोसाइटी के लिए उसे लग्जरियस गुड्स बनाना हो तो उसे रिच क्लास को ध्यान में रखकर ही गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ठीक है, सपोज नेशन डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ऑर्डिनरी बसेस इन कंपैरिजन टू लग्जरी कार्स और लग्जरी बस। ठीक है, तो हम इसे इस डिसीजन को कह सकते हैं वो अवर पुअर क्लास को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो कुछ भी गुड्स, कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करना करने से पहले उसे रिच क्लास या पुअर क्लास उसे ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट प्रोविजंस मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट प्रोविजंस मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब ये तीनों हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अभी के लिए डिसीजन लिया जाता है, अभी के लिए कंज्यूम कर दिया जाता है। लेकिन व्हाट प्रोविजंस मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करने के लिए क्या इंसेंटिव देता है इकोनॉमी और सोसाइटी। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो क्या इंसेंटिव्स देता है। ठीक है, ये देखता है या फिर कंजप्शन गुड्स ज्यादा बनाता है या फिर कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स यानी जो कि प्रेजेंट कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स बनता है उसे कंजप्शन गुड्स कहते हैं, और कैपिटल गुड्स यानी जो कि फ्यूचर यूज करने के लिए ज्यादा बना जाता है उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस आर स्केर्स, रिसोर्सेस कम है, इसीलिए उसे प्रेजेंट गुड्स को कम बनाना चाहिए और कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी डिसीजन रहता है इकोनॉमी। ठीक है, ये चारों प्रॉब्लम्स जो कि एक इकोनॉमी फेस करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please like, share and subscribe. Your valuable comments to us, your comments matter for us, and let's meet in another video. Thank you.